डियर स्टूडेंट्स, कल से इस सेशन का जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो शुरू हो रहा है, तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। मैं सत्येंद्र कुमार और 4 साल से लगभग मैं इस टीचिंग फील्ड में हूँ और आप लोगों को जेई और मेडिकल की तैयारी करवा रहा हूँ। तो यहाँ आज हम लाइव में हैं इनका बच्चों के लिए, कल से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है और बहुत सारे आप लोग टेंशन में होंगे कि हम लोगों को कल एग्जाम देना है, बहुत सारी आपके पास क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे कि जो आपको ये टेंशन दे रहा हो, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, कैसे किया जाए इस तरह का। तो बच्चों की कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसको आप अगर ध्यान में रखें मेरे अनुसार तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर हम समय को बर्बाद ना करते हैं, हम आते हैं सबसे पहले कि आप ये ध्यान रखें, पहला पॉइंट जो है कि सभी क्वेश्चन सॉल्व करना अनिवार्य है। अगर आप जाते हैं एग्जाम देने के लिए, जेई हो चाहे मेडिकल हो, तो आप ये देखते हैं कि 360 मार्क्स के जो एग्जाम्स होते हैं, 360 लाने वाले बहुत कम होते हैं। दूसरी बात की अगर आप 200 या फिर 250 अगर आप स्कोर करते हैं, अगर आप अपना मार्क्स लाते हैं, तो आई थिंक दैट आप एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में सेलेक्ट हो सकते हैं, आप NIT में जा सकते हैं। तो अगर आप ये स्टेप लेते हैं, उनको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप जो बच्चे हैं वो गलती कर बैठते हैं वहाँ पे, कि आपको ये ध्यान में रखना है कि हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। तो करने क्या है, तो उस चक्कर में हम लोग करते क्या है, तो करते ये है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और सारे क्वेश्चन को एक एक करके आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसमें आप क्या करते हैं कि वैसे क्वेश्चन को भी पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं जो आपको लगता है कि बन जाएगा, लेकिन वो डिफ़िकल्ट होती है, आपसे कैलकुलेटिव मिस्टेक हो सकते हैं, आप उलझन में फंस सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व पहले ना करें, आप क्या करें तो सबसे पहले ईजी क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप एक प्रैक्टिकली आप सोच सकते हैं कि जब 90 क्वेश्चन आते हैं, तो 90 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे, और अगर आप उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं तो समय भी कम लगेगा, और दूसरी बात यह है कि वो जो बनेगा आपसे वो क्वेश्चन, वो गलती होने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो आप सबसे पहले चूज करें, इजी क्वेश्चन को चूज करें, कि आप इजी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आप क्या करें, उनको पहले बनाएं, उन पर पहले अटैक करें। उसके बाद सेकेंड राउंड में आप क्या करें, तो जो मीडियम टाइप से क्वेश्चन है उनको बनाएं। तो ध्यान रखें कि जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है एग्जाम में, कंपिटेटिव एग्जाम में, ये आपका दुश्मन भी बन सकता है। इसलिए आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, अच्छी बात है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व ना करें, आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है एग्जाम में, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपके निगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकते हैं कि लास्ट में आते आते आप वैसे क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं जो आपसे बनने वाला था, और कुछ उसके ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में आप निगेटिव कुछ कर जाते हैं। जो चौथा पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो एक्स्ट्रा जो एसेसरीज है, और जैसे आप एसेसरीज कहने का मतलब कि इसके बिना हम एग्जाम नहीं दे सकते हैं, जैसे बहुत सारी आती है ऐसे कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो वाटर बोतल साथ रखना है हमको, कोल्ड ड्रिंक्स, आप लाइट करें, कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल साथ रखने हैं, मजा साथ रखने हैं, आज सेब खा के जाने हैं, आज इस तरह की बातें हमको करनी है, आज ये वहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, इस तरह का आज शूज पहन के जाना है, आज अच्छे कपड़े पहन के जाने हैं। ये सब जो एसेसरीज जिसको हम बोल रहे हैं, जिसके बिना आप नहीं चल सकते हैं, ये बेकार चीज़ है। अगर आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो फिर आप मुश्किल में फंस सकते हैं, आपका स्ट्रेस आपका माइंड हो जाएगा, इसलिए इन सब चीज़ों से बचे। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि अगर आप कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स लेके जाते हैं, मज़ा लेके जाते हैं, सेब खा के जाते हैं, ये वाला पेन लेके जाते हैं, वो वाला लेके जाते हैं, इस तरह का काम करते हैं, तो ये आपको एक्स्ट्रा जो है आपको ये डिफ़िकल्टी है, एक्स्ट्रा बोझ चीज़ आपको बोझिल प्रतीत होगा, तो इस तरह की चीज़ों से आप बचें। पांचवा पॉइंट है कि आप कम सोचें। लास्ट समय में अभी आज की रात है, तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमने वो वाला पढ़ा, हमने ये वाला पढ़ा, हमने ये किया, हमने वो किया, ये वाला छूट गया, वो वाला पढ़ते तो ज़्यादा होता। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है, और आपको कम सोचना है उसके बारे में। आपने जो पढ़ा, खुद पे आपको यकीन करना होगा कि हमने जो पढ़ा उसी से क्वेश्चंस आने वाले हैं। स्वाभाविक है, कुछ चीज़ें हो सकती है कि छूट गई होगी, आप नहीं पढ़े होंगे,
लेकिन अगर लास्ट समय में आप ज्यादा सोचते हैं, ये भी कल होके आपके लिए डिफिकल्टी उत्पन्न कर सकता है ये चीजें, इसीलिए लास्ट समय में कम सोचें, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, खुद पर यकीन करें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है कि अगर आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आप एक माहौल बना लेते हैं पहले से, जनरली ये माहौल बन जाता है कि हम एग्जाम देने आए हैं, आज ये करना है, आसपास देख के इस तरह का हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि आप जो ये माहौल बनाते हैं, इस माहौल से बचिए, कुछ नहीं, आप नॉर्मल सोचिए कि आप गए हैं, आपके स्कूल का पेपर है, आपको सब कुछ आता है, आप कॉन्फिडेंट है, आप बना सकते हैं। आप अपने बचपन के दिनों को याद कीजिए जब आप क्लास 10th में थे और ये कहा जाता था कि अगर 5 क्वेश्चन में से किसी 4 का जवाब दे, आप कहते थे कि 4 कौन सा हम सिलेक्ट करें। वैसे ही परिस्थिति आपके पास आपके साथ आने वाली है, आप ये कल ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा लॉ लश्कर में अगर आप जाते हैं, ज़्यादा बर्डन लेते हैं, तो आप हो सकता है कि आप ज़्यादा निगेटिव कर जाए, आपका दिमाग कहीं और आ जाए। इसीलिए बच्चे आप एग्जाम को क्या कीजिए, इंजॉय कीजिए चीज़ों को, कि किस प्रकार से इंजॉय करने का मतलब कि हम नॉर्मली क्लास में बैठे हुए हैं, मेरे पास पेपर आए, हमको पेपर सोल्व करने हैं और सोल्व करके निकलने हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो इस तरह कुछ जो टिप्स थे जो हम एक एक करके फिर एक बार हम आपको बताते हैं कि सभी क्वेश्चन सोल्व करना अनिवार्य नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट आपके लिए खतरनाक हो सकता है कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। और सबसे पहले आप सोल्व इजी क्वेश्चन है उनको आप सिलेक्ट करें और उनको सबसे पहले सोल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि वो हमसे सोल्व हो जाएगा बट डिफिकल्ट है, कैलकुलेटिव है, तो आप उनको सेकेंड राउंड के लिए छोड़ दें, फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चन को सोल्व करें। पांचवा ये बताया कि जो एक्स्ट्रा एसेसरीज जिसको हम बोलते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होना जरूरी है, बगल में मजा का बोतल होना जरूरी है, सेब खा के जाना है, ये करके जाना है, इन चीज़ों से बचे, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। लास्ट में पांचवा जो पॉइंट है, कम सोचे, आप जो पढ़े उसमें यकीन करें। लास्ट में जो स्ट्रेस होता है रिविजन का, अलग अलग का, उनसे बचे, खुद पर यकीन करें और एग्जाम को इंजॉय करें। फिर से आपको डियर स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप एग्जाम दीजिए, आपके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।